मैं हूँ सोनू मंगवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स बकेट। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि गर्ल्स और वुमेंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्चुअली होता वो सभी के लिए है, लेकिन उसको फॉलो ज़्यादा गर्ल्स और वुमेंस करती हैं, जो कि बिफोर मेकअप होता है। जी हाँ, बिफोर मेकअप, वो टॉपिक है CTM। CTM के बारे में हर कोई जानता होगा, सबको पता होगी, लेकिन CTM के बारे में आज मैं आपको डीपली में कुछ बताना चाहती हूँ। CTM क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और किस स्क्रीन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाए, मतलब क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइजर। जी हाँ, क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइजर, जो कि डेली यूज़ में भी लोगों को फॉलो करना चाहिए, मेकअप में भी फॉलो करना चाहिए, मेकअप से पहले फॉलो करना चाहिए, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, सिंपल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, कॉलेज गर्ल का मेकअप हो, हर एक मेकअप में आपको CTM करना बहुत ज़रूरी होता है। CTM डेली यूज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, CTM कर सकते हैं, स्किन को हेल्दी रखता है। एंड हम जो मेकअप में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसका डायरेक्ट असर, उसके केमिकल का असर अपनी स्किन पे नहीं होता अगर आपने CTM किया है तो। CTM बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मेकअप के पहले कीजिए, चाहे डेली यूज़ में कीजिए, लेकिन CTM ज़रूर कीजिए। आपको कि CTM कैसे किया जाता है, क्या होता है ये आपको पता है, कैसे किया जाता है ये बताते हैं। क्लिंजिंग मिल्क, CTM में सबसे पहले आप फेस वॉश कीजिए। जो भी आप डेली यूज़ में अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं, ऑयली स्किन वाले जो जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने फेस वॉश में, आप वो यूज़ कीजिए। ड्राई स्किन वाले जो क्रीम बेस यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कीजिए। कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो यूज़ कीजिए। फेस वॉश करने से अपनी स्किन की डलनेस, जो बाहर से जो भी डस्ट लगा हुआ होता है, ऑयल होता है, वो प्रोड्यूस वो हो जाता है, सारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है फर्स्ट क्लिंजिंग। क्लिंजिंग हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो। एक बार ऑयली स्किन वाले क्लिंजनर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आप क्लिंजिंग मिल्क से किसी भी कंपनी का, चाहे आयुर का हो, चाहे किसी और अदर कंपनी का हो, क्लिंजिंग मिल्क लेके अपने फेस पे अप्लाई करके 5 मिनट से मसाज कीजिए। जी हाँ, 5 मिनट से अच्छे से मसाज कीजिए। उसके बाद ड्राई स्किन वालों को ड्राई कॉटन से बिल्कुल साफ़ कर देना है, और ऑयली स्किन वालों को 2 मिनट सिर्फ मसाज करनी है, 5 मिनट नहीं करनी है। 2 मिनट मसाज करके कॉटन को गीली करके पूरा साफ, पूरा फेस बिल्कुल क्लियर करना है। क्लिंजिंग मिल्क अपने फेस पे नहीं रहने देना है, बिकॉज ऑयली स्किन वालों की स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है। अगर कभी ऑयली स्किन वालों ने क्लिंजिंग स्किप भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस वॉश करके वो डायरेक्ट टोनर कर सकते हैं। अब क्लिंजिंग के बाद आता है टोनर। जी हाँ, टोनर स्प्रे बॉटल में भी आता है और नॉर्मल बॉटल में भी आता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल में टोनर आता है तो आप उसे दूर से ही अपने फेस पे आंखें बंद करके स्प्रे कीजिएगा। जी हाँ, स्प्रे कीजिएगा, उसके बाद उसको ऐसे ही 2-5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप सूखेगा। उसको किसी हवा, मतलब पंखे से या किसी से आपको सुखाना नहीं है, हवा करके सुखाना नहीं है, उसको अपने आप एब्जॉर्ब, स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिएगा। उससे अपने ओपन पोर्स खुल जाते हैं, जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो खुल जाते हैं। उसके बाद आप जो मॉइस्चराइजर करेंगे 5 मिनट बाद, उसके सूखने के बाद आपको जो मॉइस्चराइजर करना है वो 5 मिनट बाद कीजिएगा। मॉइस्चराइज जो आप करोगे, आपके रोम छिद्र जो खुल गए हैं टोनर के बाद, जो ओपन पोर्स खुल गए हैं, आप जो मॉइस्चराइजर करोगे वो आपका डीपली काम करेगा, अंदर तक जाके मॉइस्चर करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ग्लो लाएगा, ये काम फिर मॉइस्चराइजर अच्छे से करता है। अब बारी है स्किन टाइप CTM की। में बहुत सारे क्लिंजिंग मिल्क आते हैं, ऑल स्किन टाइप्स भी आते हैं। क्लिंजिंग मिल्क आप जो भी यूज़ कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखिए कि मसाज कम टाइम लेके उसको गीली कॉटन से बिल्कुल साफ़ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो टोनर यूज़ कर रहे हो आप ऑयली स्किन वाले, तो आपको कुकुम्बर का टोनर यूज़ करना चाहिए, रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए, आपको टी ट्री ऑयल का आता है वो यूज़ करना चाहिए, और ग्रीन टी का आता है वो यूज़ करना चाहिए। टोनर ही ऑयली स्किन के लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर जो भी, जिस भी कंपनी का आप ले रहे हो, जेल बेस लीजिएगा, क्योंकि थिकनेस और क्रीम बेस मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए
और ऑयल प्रोड्यूस करेगा, पिंपल्स होंगे, दाने होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैंने भी ये सारी दिक्कतें फेस की है। अब जाके मैं अपनी डेली रूटीन में जो CTM करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद ड्राई स्किन वाले क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करें, अच्छे से मसाज करें, फिर उसको साफ़ करें। टोनर में अगर बात करें तो ड्राई स्किन वाले रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ड्राई स्किन वालों के लिए मार्केट में टोनर अवेलेबल हैं। मॉइस्चराइज़र में वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और निविया भी यूज़ कर सकते हैं। निविया बेस्ट क्रीम होती हैं ड्राई स्किन वालों के लिए भी, ऑयली वालों के लिए भी सॉफ्ट निविया क्रीम बहुत ही अच्छी होती है। मैं जो CTM करती हूँ, मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो फेस वॉश है टी ट्री ऑयल का फेस वॉश है। वो ऑयल कंट्रोल करता है, मेरे फेस पे ऑयल ज़्यादा होता है, मैं ऑयली स्किन वाली हूँ तो इसलिए मैं टी ट्री ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं हफ्ते में एक या दो बार ही क्लिनजिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और सर्दियों में भी पहले CTM रोज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है मैंने भी CTM करना चालू कर दिया है। और मैं दिन में दो बार करती हूँ, एक नहाने के बाद करती हूँ, एक सोने से पहले करती हूँ। उसके बाद बात आई टोनर की, तो मैं बायोटिक का कुकुम्बर टोनर यूज़ करती हूँ और मॉइस्चराइजर क्रीम में निविया सॉफ्ट क्रीम यूज़ करती हूँ। वाइट निविया सॉफ्ट क्रीम जो आती है मैं वो यूज़ करती हूँ, वो मेरे फेस के लिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी है। था आज का CTM क्या है, कैसे करना है, कब करना है, इससे क्या होता है और किस स्किन टाइप्स वालों को कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो में दी है। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास मैं जो भी वीडियो अपडेट करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।